और चार रन कलेक्ट करेंगे बल्लेबाज। और एक डॉट गेंद स्टार्ट हो गया। और यहां पे स्ट्राइक चेंज करते हुए स्क्वायर लेग की तरफ एक रन के लिए। एक ओवर एक और भी समाप्त हो गया। छह रन है। और यहाँ पे डॉट गेंद हो सकती थी लेकिन यहाँ पे बाय के रूप में एक रन। बड़ा हिट लगाना चाहते थे लेकिन चूके यहाँ पे बल्लेबाज। हितेश जो के गेंदबाजी कर रहे हैं अपने। और यहां पे बहुत ही बेहतरीन शॉट चार रन के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट गैप में खेला हुआ ग्राउंडेड। स्लो चल रहा है नेट यहाँ। नेट स्लो हो गया यार। और यहां पे बहुत अच्छी वापसी डॉट गेंद। और यहां पे बहुत ही अच्छा बेहतरीन ड्राइव। और यहां पे सिंगल चुरा यहां पे बल्लेबाजों ने। वेरी वेल ट्राइड। बहुत ही अच्छी कोशिश थी। और फिर से एक बार डीप मिड विकेट की तरफ खेला हुआ शॉट। और एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। स्ट्राइक पे प्रवीण जैन। और यहां पे बड़ा शॉट खेलने का प्रयास और देखना होगा। थोड़ी सी बॉल से दूर रह गए फील्डर। और एक रन स्ट्राइक चेंज कर लिया यहां पे प्रवीण जैन ने। और इसी के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति। और टपारे रेंजर्स का Periwall Polymers has been in the PVC compounding business for almost 3 decades. Established in 1994, our vision is to become the industry leader in the supply of polymers with an extreme focus on quality and value innovation. We aim to be the most trusted brand with a promise of giving you the best product and service. और यहां पे फिर से एक बार छिटकी हाथ से कैच। बहुत अच्छी गेंदबाजी सीधी फील्डर के हाथ में थी लेकिन बॉल लपक नहीं पाई फील्डर। और एक रन से रोक नहीं पाएंगे यहां पे। और प्रवीण जैन। और अब स्ट्राइक पे होंगे लिखित जैन। और यहां पे एक एज और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। स्ट्राइक चेंज किया एक सिंगल के लिए। और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी राकेश जैन द्वारा। हाथ खोलने का मौका नहीं देना चाह रहे अभी बिल्कुल। हेलो। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा सिंगल चुरा है। देखा वहां कोई फील्डर नहीं है स्क्वायर लेग पे। और टैप किया और एक सिंगल के लिए भाग गए। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। और एक और टैप एंड गो वाला शॉट
सिंगल चेंज स्ट्राइक चेंज किया, अच्छी रणनीति यहाँ पे बैटिंग टीम की, रिस्क नहीं लेना चाह रहे और पहले स्ट्राइक चेंज कर रहे हैं और बाद में हिट करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छी सोच और साथ में अच्छी गेंदबाजी भी। और यहाँ पे डॉट गेंद, और यहाँ पे कैच का चांस बन सकता था लेकिन थोड़ी दूर रह गए और स्ट्राइक चेंज करेंगे यहाँ पे बल्लेबाज। और इसी के साथ ओवर की होगी समाप्ति और तीन ओवर की समाप्ति पे टपारिया रेंजर्स का स्कोर है 19 रन बिना किसी नुकसान। Perriwall Polymers has been in the PVC compounding business for almost 3 decades. Established in 1994, our vision is to become the industry leader in the supply of polymers with an extreme focus on quality and value innovation. We aim to be the most trusted brand with a promise of giving you the best product and services. और यहाँ पे डीप मिड विकेट की तरफ एक रन, सिंगल चुराया बल्लेबाज ने। यहाँ जितने भी प्लेयर्स हैं और नॉन प्लेइंग ऑफिशियल से सबसे ये अनुरोध है कि आप पानी पी के प्लीज ग्लास डस्टबिन में डालें, ऐसे ग्राउंड में थ्रो ना करें। और यहाँ पे चिकी शॉट और फाइन लेग पे एक रन लिया और आप ग्लास डस्टबिन में डाल के स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बने और जुड़े उस अभियान में। और यहां पे गाइड कर दिया थर्ड मैन की तरफ और एक और सिंगल चुरा है। और फिर से एक चिकी शॉट और एक रन। रिस्क नहीं लेना चाहते यहां बल्लेबाज। और यहां पे एक फुल टॉस, देखते क्या इसे कन्वर्ट करना पाते हैं। और यहां पे 6 रन का इशारा, बहुत ही बेहतरीन शॉट। प्रवीण जैन के बल्ले से फुल टॉस बॉल थी, हाथ खुलने का मौका मिला और सीधा 6 रन डीप स्क्वायर लेग के बाद, बहुत ही बेहतरीन शॉट। और यहां पे एक और डिफेंसिव स्ट्रोक और मिड विकेट के एरिया में एक रन, सिंगल चुरा लिया। और इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति पर टपारिया रेंजर्स का स्कोर 30 रन बिना किसी नुकसान के। टपारिया रेंजर्स आ 30। Perriwall Polymers has been in the PVC compounding business for almost 3 decades. Established in 1994, our vision is to become the industry leader in the supply of polymers with an extreme focus on quality and value innovation. We aim to be the most trusted brand with a promise of giving you the best product. गेंदबाजी पे आए हैं आकाश कप्तान।
टीम फाइब्रोज यूनाइटेड की तरफ से लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, वाइट का इशारा, अंपायर सुजीत शर्मा फ्रंट ऑन। सब दिशा दिखाई थी इस गेंद को और बढ़िया फील्डिंग। इस बार कवर्स के रीजन में खेलने का प्रयास था, टाइम कर नहीं पाए गेंद को, डॉट गेंद। लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, वाइड का इशारा, एक्स्ट्रा के रूप में रन। पार्टनरशिप बड़ी अच्छी देखने को मिली है दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। फुल लेंथ की गेंद, फ्लिक्सा किया, सिर्फ एक ही रन। या भारतीय तिरंगा झंडा, हालांकि इस बार स्ट्रोक बढ़िया लगाया था लेकिन उससे ही बेहतरीन फील्डिंग, चार रन बचाए अपनी टीम के लिए। 23 नंबर जर्सी में फील्डर तैनात। जैसे ही शफल करके ऑफस्टंप के बाहर आए, गेंद को फुल लेंथ किया गेंदबाज ने, तारीफ करनी पड़ेगी। कप्तान वर्सेस कप्तान ये मुकाबला, प्रवीण जैन है स्ट्राइक पे, गेंदबाजी करते हुए आकाश जैन। फुल टॉस गेंद, सिर्फ दिशा दिखाइए, देखना पड़ेगा रन कितने मिलते हैं। क्या बढ़िया फील्डिंग, दो रन बचाए अपनी टीम के लिए। यहां देखिए ओवरथ्रो, जिसके चलते एक रन और मिल जाएगा। एक बार फिर से थ्रो हुआ है, तीन रन मिले इस गेंद पे। ओवर की हुई समाप्ति, पांच ओवर्स के बाद। Perriwall Polymers has been in the PVC compounding business for almost three decades. Established in 1994, our vision is to become the industry leader in the supply of polymers with an extreme focus on quality and value innovation. We aim to be the most trusted brand with a promise of giving you the best product and services. नजर आ रहे हैं आपको मिस्टर सुजीत शर्मा, स्क्वायर लेग अंपायर मिस्टर तरुण कुमार, इस मुकाबले में तीसरे अंपायर और मैच रेफरी की भूमिका में मिस्टर महेंद्र पाल सिंह जी। और स्कोरिंग की भूमिका में कमल जी और उनके साथ सत्यम। छठे ओवर में खेल चलता हुआ, पॉइंट फील्डर के बगल से खेला ही हुआ ये स्ट्रोक, बढ़िया फील्डिंग। हालांकि दो रन लेने की कोशिश प्रवीण द्वारा, तारीफ करनी पड़ेगी रनिंग बिटवीन द विकेट्स की। उनतालीस रन, पांच ओवर एक गेंद में। एक बार फिर से बैकफुट बजाए खेला हुआ ये स्ट्रोक, डीप एक्स्ट्रा कवर्स के फील्डर पहुंचे, स्वीपर कवर के रीजन में गेंद को फील्ड किया, सिर्फ एक रन। 40 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। लेग स्टंप के बाहर गेंद, वाइड का इशारा। और यह मौजूद सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ये जो वाटर ग्लासेस हैं इनको डस्टबिन में डालें यूज करने के बाद। फुल टॉस गेंद, कवर्स के दिशा में कोई रन नहीं, विकी ने फील्ड किया इस गेंद को, स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बने।
बैट स्विंग काफी तेज किया था और गेंद थोड़ी धीमी आई, जिसके चलते ये टाइम हुआ नहीं स्ट्रोक डॉट गेंद। सीधा खेला हुआ स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन पे फील्डर चार नंबर जर्सी में गेंद को फील्ड किया हितेश, सिर्फ एक ही रन। इस बार हटके खेलने का प्रयास इस गेंद को, डॉट गेंद और ओवर की होगी समाप्ति। और इसी के साथ होगा दिगंबर बैग हाउस प्रेजेंस स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, यानी एक अल्प विराम और उसके बाद में गेंदबाज गेंदबाजी पे हरीश जैन, कवर्स की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक। अच्छी खबर यह था बढ़िया रेंजर्स के लिए, कप्तान मौजूद हैं क्रीज पे, कभी भी इनिंग को गेयर अप कर सकते हैं, हालांकि तेज तरार बल्लेबाजी करने के लिए मशहूर प्रवीण जैन। और जैसी देखा गेंद की लेंथ को थोड़ा सा पीछे किया, सॉफ्ट हैंड से प्लेस किया, फील्डर जब तक गेंद पे पहुंचे एक रन पूरा करते हुए प्रवीण जैन।
फुल लेंथ की गेंद, बाल बाल बचे, बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली हरीश जैन द्वारा। या गेंद को थोड़ा सा स्लो किया था और शायद इसीलिए वो टाइमिंग फिट नहीं बैठी, एलिवेशन मिला नहीं, एक बाउंस फील्डर तक पहुंची गेंद, सिर्फ एक रन। ये एक नया शॉट इन्वेंट करते हुए ऑफस्टंप के बाहर जाके ऑफस्टंप की बाहर की गेंद को ऑन साइड में प्लेस करके एक रन पूरा किया। 7 ओवर्स हो चुके हैं कंप्लीट, 46-0 टापरिया रेंजर्स। स्टेप आउट करके बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, वाइड का इशारा, एक रन जुड़ेगा एक्स्ट्रा के रूप में। हमारे बीच मौजूद विनोद जी का भी बड़ा अच्छा सहयोग रहा है, अगर हम देखें कल से ही लेग स्टंप के बाहर गेंद, वाइड का इशारा। हर एक खिलाड़ी के बारे में जानकारी रखना, मेमोरी कार्ड कह सकते हैं इनको या हार्ड डिस्क, गेंद थोड़े समय के लिए हवा में थी लेकिन रन पूरा किया बल्लेबाज ने। इसी एक रन के साथ 50 रन पूरे होते हुए तापड़िया रेंजर्स के 50 रन की पार्टनरशिप दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। तारीफ करनी पड़ेगी विनोद की, हर खिलाड़ी के बारे में जानकारी रखना, यानी पहचानते हैं सबको, आजकल तो अपने नहीं पहचानते, ये सबको पहचानते हैं। दूर से स्वीप करने का प्रयास, डीप मिड विकेट पे फील्डर, सिर्फ एक रन। ये देखिए एरियल स्ट्रोक और अंपायर के फैसले का हुआ इंतजार, 4 या 6। और पूरी तरीके से न्याय होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है बात, थर्ड अंपायर चेक किया जाएगा, आप यहां बड़े स्क्रीन पे भी देख सकते हैं रिप्ले में। पूरी तरीके से न्याय होगा जब इतनी सारी फैसिलिटीज है। आशीष और उनकी टीम टीम WDZ तीसरे अंपायर चेक करते हुए, चार रन मिले। फिर से फुल लेंथ की गेंद, बढ़िया स्ट्रोक कवर्स की दिशा में, नितेश के लिए बड़ी चीज, दूसरा रन लेने का प्रयास और पूरा भी करेंगे, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। लेग स्टंप के बाहर गेंद, वाइड का इशारा, यानी एक्स्ट्रा के रूप में मिलेगा रन। एक फिर से बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, थोड़े से निराश बल्लेबाज, हालांकि लकी भी रहे क्योंकि किनारा लगता तो गेंद पीछे जा सकती थी। 8 Perriwall Polymers has been in the PVC compounding business for almost 3 decades. Established in 1994,
Our vision is to become the industry leader in the supply of polymers with an extreme focus on quality and value innovation. We aim to be the most trusted brand with a promise of giving you the best product and services. Thank you, Prashant. बहुत बहुत धन्यवाद सुमित। टावर रेंजर्स की अच्छी बात यह है कि उनकी बैटिंग में अभी तक उन्होंने कोई विकेट नहीं खोई है, काफ़ी अच्छी बात, क्योंकि इन्हें लास्ट में मौका मिलेगा हाथ खोलने का, पावर रेटिंग करने का, क्योंकि आपके पास 10 विकेट है। और यहाँ पे बड़ा हिट लगाने का फैसला और अपील करते हुए यहाँ पे, और आउट हो जाए, वापिस आना पड़ेगा बल्लेबाज को। लीजिए, अभी मैं बात कर रहा था और इसी के साथ प्रवीण जैन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 30 रन बनाए इन्होंने अब 26 गेंद में, और वापस आना पड़ेगा। और 58 रन का पार्टनरशिप प्रवीण और लिखित के बीच में टूटा और हरीश ने यह सफलता ली है, और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, पार्टनरशिप तोड़ा, बहुत ही बड़ा विकेट। और यहां पे थोड़ी सी चेंजिंग, और जी हाँ, कल से हमारे ग्राउंड्समैन जिन्होंने बहुत ही मेहनत करी है इस मैच को सफल बनाने में, होने में, कल भी उन्होंने बहुत मेहनत की थी और आज भी इन्होंने बहुत मेहनत की है, जिसे कि ये मैच आप देख सकते हैं हो पा रहा है, बहुत ही मेहनत है उनकी। आर के जैन जो भी होंगे स्ट्राइक पे, और यहां पे लॉन्ग ऑन पे खेला हुआ ये शॉट सिंगल के लिए, और यहां पे एक डॉट गेंद, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हरीश जैन द्वारा, हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे यहां बल्लेबाज को, लिखित जो इतनी देर से सेट है उन्हें भी हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। और यहां पे बड़ा स्ट्रोक मारना चाहते थे, क्रॉस द लाइन, बॉल की लाइन से लगे और सीधी बॉल स्टंप्स पे बोल्ड, वापस आना पड़ेगा यहां लिखित जैन को, दोनों सेट बल्लेबाज को वापस भेजा यहां पे हरीश जैन ने, बहुत ही अच्छा ओवर। और दोनों सेट बल्लेबाज को वापस भेजा पेविलियन में, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अभी तक हरीश जैन द्वारा, एक ओवर चार बॉल की गेंदबाजी कर चुके हैं और 5 रन देके 2 सफलता इनके हाथ। और कैलाश गोस्वामी होंगे अगले बल्लेबाज, और अब कह सकते हैं इस ओवर में फाइब्रोज यूनाइटेड ने वापसी करी है, 2 सफलता उनके हाथ लगी है। कैलाश जो कि नए बल्लेबाज होंगे स्ट्राइक पे, और यहां पे लॉन्ग ऑफ पे खेला हुआ ये शॉट सिंगल के लिए, एक और रन का इजाफा टपारी रेंजर्स के स्कोर में। और यहां पे लेग साइड में स्क्वायर लेग पे खेलना चाहते थे लेकिन चूके, और बॉल सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, और इसी के साथ एक सफल ओवर की होगी समाप्ति। 9 ओवर की समाप्ति पे 60 रन 2 विकेट के नुकसान पे टपारिया रेंजर्स का स्कोर।
रन दिए। और बॉल को जाने दिया, वाइड गेंद, थोड़ी ज्यादा ऑफ स्टंप पे बाहर थी और वाइड गेंद का इशारा अंपायर की तरफ से। और यहां पे सीधा खेला हुआ शॉट, बहुत ही बेहतरीन शॉट बॉलर के सिर के ऊपर से एक रन के लिए। और यहां पे शफल करके डीप मिड विकेट पे एक रन के लिए खेला, आसानी से स्ट्राइक चेंज करा बल्लेबाज ने यहां पे। और यहां पे हिट लगाना चाहते थे लेकिन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, फुल लेंथ की बॉल थी। और यहां पे बॉलर ने मांग की है थर्ड अंपायर की, रिव्यू लिया है। और यहां पे कॉटन बॉल का अपील है बॉलर का, देखना होगा क्या होता है। मेरे हिसाब से तो शायद बॉल बंप हुई थी, बाकी आगे देखते हैं क्या निर्णय होता है अंपायर्स का। थर्ड अंपायर टू डायरेक्टर, इट्स रिव्यू फॉर कॉटन बोल्ट फ्रंट एंगल। Slightly. तीसरे अंपायर का फैसला नॉट आउट। तो चलिए यहां पे नॉट आउट का इशारा। वापस यहां पे बल्लेबाज फेस करेंगे बॉलर को। और यहां पे हवा में गेंद, देखना होगा, सेफ थे और सिंगल ले लेंगे। और इसी के साथ रिव्यू लिया था जो कि खो दिया। और ये डीप मिड विकेट पे एक रन के लिए। तो फाइव रोज यूनाइटेड ने यहां पे रिव्यू लॉस्ट किया। और यहां पे बहुत ही बेहतरीन शॉट, देखना होगा क्या होता है। छह रन का इशारा अंपायर की तरफ से, कैलाश का ये शॉट बहुत ही बेहतरीन, लेग स्टंप पे बॉल अंदर की तरफ आई और उसे खेल दिया बैक फुट स्क्वायर लेग की तरफ, छह रन के लिए, बहुत ही बेहतरीन शॉट। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 10 ओवर की समाप्ति पे टपारिया रेंजर्स का स्कोर 71 रन 2 विकेट के नुकसान पे। टपारिया रेंजर्स आज 71 for 2 इन 10 ओवर्स। और दिल्ली जैन प्रीमियर लीग प्रेजेंट्स गोल्ड मेडल कप 2022 सीजन 6 पार्ट 2, जिसके इनविटेशनल पार्टनर हैं मुदित पॉलीमर, इनका भी बहुत बड़ा योगदान।
इस पूरे टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने में। और यहाँ पे देखना होगा क्या करते हैं, बड़ा शॉट मारना चाहते हैं लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में कंट्री पे वापस आना पड़ेगा आरके जैन को। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, क्लियर करना चाहते थे बाउंड्री रोप को लेकिन चूके यहाँ पे बल्लेबाज, सीधी कैच फील्डर आकाश के हाथ में, बहुत ही अच्छी कैच। और इसी के साथ तीसरे विकेट का पतन होता हुआ टपारिया रेंजर्स का। और तारीफ करनी होगी यहां पे हरीश जैन की, तीनों सफलताएं इनके नाम पे है, तीनों जो विकेट इन्होंने गिराई है वो इन्हीं के नाम हो गया। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, दो ओवर एक बॉल की गेंदबाजी कर चुके हैं और छह रन देके तीन विकेट, तीन सफलता, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हरीश जैन द्वारा। और यहाँ पे एक फुल टॉस लेकिन तेज बॉल थी और कॉ कॉर्नर पे एक सिंगल और स्ट्राइक चेंज किया यहाँ बल्लेबाज ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, सूझबूझ भरी पारी। और यहाँ पे स्क्वायर लेग पे खेला हुआ ये शॉट, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अभी तक हरीश जैन द्वारा, हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को। और इस ओवर में आखिरी दो गेंद शेष, और वाइड बॉल का इशारा डाउन टू द लेग साइड, थोड़े से लाइन लेंथ से चूके और वाइड बॉल का इशारा, एक और रन का इजाफा था पारे रेंजर्स के स्कोर में। और यहां पे बहुत ही अच्छी गेंद अपनी स्पीड से चौंकाया बल्लेबाज को लेकिन एक रन आसानी से पूरा करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। और इसी के साथ चाहते कुछ और थे और हुआ कुछ और, मारना चाहते थे डीप स्क्वायर लेग पे लेकिन बॉल गई गली पे। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, एक रन पूरा करेंगे 11 ओवर की समाप्ति पर टपारिया रेंजर्स का स्कोर। Perriwall Polymers has been in the PVC compounding business for almost 3 decades. Established in 1994, our vision is to become the industry leader in the supply of polymers with an extreme focus on quality and value innovation. We aim to be the most trusted brand with a promise of giving you the best product and services. आखिरी ओवर शेष इस पहले इनिंग की, और बॉलर होंगे हितेश जो कि ये 12 ओवर डालेंगे अपनी टीम के लिए, और कैलाश होंगे स्ट्राइक पे। देखना इस लास्ट ओवर में कितने रन बना सकते हैं। सर थोड़ा साइड हट जाना सर, और यहाँ पे 12वें ओवर की पहली बॉल थर्ड मैन पे एक रन के लिए।
बहुत अच्छी गेंदबाजी, विकेट टू विकेट बॉल डाली थी, एक रन हाथ खोलने का मौका नहीं दिया बल्लेबाज को। आखिरी पांच बॉल शेष हैं, देखते क्या कुछ कर पाते हैं टपारिया रेंजर्स के बल्लेबाज। जी हाँ, आगे बढ़ के मारने का प्रयास था लेकिन चूके यहाँ पे बल्लेबाज, और एक डॉट गेंद। बहुत अच्छी गेंदबाजी, पहले देख लिया था चहलकदमी करते हुए यहाँ बल्लेबाज को, और डॉट गेंद। और फिर से एक बार चहलकदमी करते हुए लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए अपने बैट से, और एक रन के लिए लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन पे। आखिरी तीन बॉल शेष, देखना है क्या कुछ हो सकता है। और यहाँ पे एयर में खेला हुआ शॉट, देखते हैं क्या हो सकता है। बॉल फील्डर उसके नीचे और कैच देंगे, यहाँ पे वापस जाना पड़ेगा कैलाश को। बहुत ही अच्छा कैच यहाँ विकी द्वारा, मुश्किल होता है धूप में ऐसे कैचेस करने पीछे जाके। बहुत ही अच्छी कैच और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पे हितेश जैन द्वारा। आखिरी दो गेंद शेष और देखना होगा क्या कोई हिट लगा सकते हैं यहाँ पे टपारे ने जिसके बल्लेबाज। जितेश होंगे नए बल्लेबाज जो कि स्ट्राइक पे होंगे, और नॉन स्ट्राइकर एंड पे निपुण। आखिरी दो गेंद शेष इस इनिंग की, और क्या कुछ देखते हैं इन दो गेंद में हो पाता है। कोई बड़ा हिट मार सकते हैं या चौके से भी फिनिश करते इनिंग की, देखना होगा ये अगले दो गेंद में पता चल जाएगी हमें। और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन शॉट, देखना होगा क्या होगा। छह रन का इशारा, बहुत ही बेहतरीन शॉट, फुलर लेंथ की बॉल थी, थोड़ा सा पीछे गए और कॉक कॉर्नर में छह रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन शॉट यहाँ पे जितेश जैन द्वारा, पहली बॉल फेस करा और पहली बॉल पे ही बाउंड्री रोप के बाहर छह रन के लिए भेजा। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पे। इसी के साथ आखिरी बॉल शेष है और क्या देखते हैं इस पे एक और बड़ा हिट आ सकता है, देखना होगा। और यहां पे बॉल को जाने दिया और इसी के साथ डॉट गेंद। और 12 ओवर की समाप्ति पर टपारिया रेंजर्स का स्कोर होगा 84 रन 4 विकेट के नुकसान पे। इसका मतलब फाइव रोज यूनाइटेड को चाहिए 85 रन जीत के लिए, 85 रन। टपारिया रेंजर्स हैव स्कोर्ड 84 रन विद डॉट्स ऑफ 4 विकेट्स इन 12 ओवर्स। So Five Rays United need 85 runs to win this match. और अब से थोड़ी देर में दूसरी इनिंग की होगी शुरुआत। जब तक DJ, stop the music for a moment. Thank you. Wait. Rehearsal kar rahe the na hum log. All right. Delhi Jan Premier League presents Gold Medal Cup 2022 Season 6 Part 2. Toss ka ho chuka hai samay. Do teams is samay Blue Panthers aur unke saath Irani Fighters. Hamare beech maujood hai Sunil ji from Om Cable Industries aur saath mein Suresh ji Gold Medal Cup ki taraf se. Toss ka ho chuka hai samay. सुनील जी आप स्पिन कीजिए कॉइन, कॉल किसकी होगी? निकेश की होगी, ब्लू पैंथर्स। डीजेपीएल, डीजेपीएल यानी टॉस जीत चुके निकेश, मैं चाहूंगा आप मुझे ज्वाइन करें।
टॉस जीतने के बाद क्या फैसला रहेगा? We will ball first. Any particular reason behind it? We will rather plan our chase better. So what's the score which you are looking in this track from the opponent? About 60 to 70 in between that. All right, all the best for the game. Thank you. I would request Ishwar to join me from Irani Fighters. Toss haar chuke. आपकी टीम बल्लेबाजी करने के लिए आ रही है, बैटिंग के लिए भी अच्छा ट्रैक है मेरे हिसाब से. आप टॉस जीते, आपका क्या फैसला होता? बॉलिंग करते. कोई पर्टिकुलर रीजन? इस बार चेज करना था इसलिए. ऑलराइट, कुछ नया करने का प्रयास. कल जीत ढूंढ रहे थे, जीत मिल नहीं पाई थी, लेकिन आज कोशिश होगी कि मुकाबला जीते. चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द गेम. थैंक यू. एक बार दोनों कप्तान फोटोग्राफ के लिए आ जाए, मेमोरीज कलेक्ट की जाए. और आप लोगों को मैं टॉस अपडेट दे दूं, टॉस जीता है प्लूओ पैंथर्स के कप्तान निकेश ने और फैसला किया है गेंदबाजी करने का. चलिए वापस चलते हैं WDZ के स्टूडियो में और दूसरे इनिंग की होगी प्रारंभ. Perriwall Polymers has been in the PVC compounding business for almost 3 decades. Established in 1994, our vision is to become the industry leader in the supply of polymers with an extreme focus on quality and value innovation. We aim to be the most trusted brand with a promise of giving you the best product and services.
अंपायर से यहाँ ग्राउंड में जाते हुए, फील्डर्स भी और बल्लेबाज भी यहाँ पे जाते हुए ग्राउंड में। तो चलिए अब दूसरी इनकी तरफ चलेंगे, फाइव रोज यूनाइटेड, जिन्हें 85 रन का टारगेट मिला है। डिफेंड करेंगे 84 रन के टारगेट को और बैटिंग करने आ रहे हैं। अब स्ट्राइक लेंगे आकाश। हाथ दिखा दो, हाथ दिखा दो गुरु, हाथ दिखा दो। नॉन स्ट्राइक रन पे कौन है? और नॉन स्ट्राइकर एंड पे होंगे बिलेश, और गेंदबाजी की भाग दौड़ दी गई है जितेश के हाथ में, जो कि पहला ओवर डालेंगे दूसरी इनिंग का। तो चलिए बैट्समैन यहां पे स्ट्राइक लेते हैं और दूसरी इनिंग की शुरुआत होने वाली है। जितेश जो कि पहली बॉल लेके चले और शुरुआत होगी दूसरी इनिंग की, और पहली बॉल ही देखना होगा, बड़ा हिट मारने की कोशिश, 6 रन, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी आकाश द्वारा, 6 रन से शुरुआत की है दूसरी इनिंग की, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। थोड़ी सी बॉल लेग स्टंप पे थी और उसे डीप फाइन लेग, 6 रन के लिए वापस बाहर भेजा, बहुत ही अच्छा इंटेंट। फाइव रोज यूनाइटेड की ओर से साफ है कि कैसे वो खेलना चाहते हैं। और यहां पे डॉट गेंद, सेफ खेला हुआ शॉट, ड्राइव मारा था सीधा फील्डर के हाथ में। और यहां पे लेग साइड में फिर से एक बार जगह ढूंढा और 1 रन ले लेंगे यहां पे बल्लेबाज। बहुत ही अच्छी वापसी गेंदबाज द्वारा, और यहां पे लेग स्टंप पे फिर से एक बार बॉल देखना पड़ेगा, अंपायर का इशारा, 6 रन का, बहुत ही बेहतरीन शॉट। और इस बार बल्लेबाज होंगे बिलेश जैन, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ द लेंथ, लेग स्टंप पे थी और सीधी बॉल डीप स्क्वायर लेग पे, 6 रन के लिए बाहर भेजा बाउंड्री के, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। हाथ खोलने का मौका मिला और चूके नहीं यहां बल्लेबाज। और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। तो यहाँ पे जीतने के लिए थोड़े एक्स्ट्रास पे ध्यान रखना पड़ेगा टपारिया रेंजर्स को। और यहाँ पे बैक फुट पे जाके 1 रन के लिए खेला हुआ शॉट, सेफ शॉट, और इसी के साथ स्ट्राइक चेंज करेंगे बिलेश,
और अब स्ट्राइक पे होंगे आकाश। और यहाँ पे माना चाहते थे ऑफ स्टंप पे, लेकिन बॉल गए लेग स्टंप पे, लेकिन एक रन आसानी से पूरा करेंगे यहाँ आकाश। और अब स्ट्राइक पे होंगे बिलेश, बहुत ही अच्छी रणनीति। और इसी के साथ पहले ओवर की होगी समाप्ति। 16 रन बिना किसी नुकसान के फाइव रोज यूनाइटेड का स्कोर। फाइव रोज यूनाइटेड आर 16 विदाउट लॉस इन वन ओवर्स। और यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कशन होती है। फाइव रोज यूनाइटेड रिक्वायर 69 रन इन 66 बॉल्स। और देखना होगा अब कैसी बॉल डालते नए बॉलर। और यहाँ पे फिर से एक बार बल्लेबाज को मौका मिला है हाथ खोलने का, और चार रन का इशारा। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, शॉट ऑफ द लेंथ थी। फिर से एक बार थोड़ा सा हल्का सा अंदर आए और बॉल को डीप स्क्वायर लेग पे खेल दिया चार रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन शॉट आकाश द्वारा, साफ इंटेंट दिख रहा है, जहाँ हाथ खोलने का मौका मिलेंगे रुकेंगे नहीं। बिल्कुल अच्छी इंटेंट, अच्छी बल्लेबाजी। और फिर से एक बार और दिशा से भटके बॉलर, और फिर से एक और चौका मिलेगा यहां बल्लेबाज को। गिफ्टेड बॉल, ऐसा शॉट था ये, ऐसे मानो गिफ्ट में दिया हुआ ये बॉल कि आप मारो इसे चौके के लिए। और थोड़ी सी यहाँ पे फील्ड में तबली थी, और थोड़ा सा यहाँ पे रनों पे अंकुश लगाना पड़ेगा बॉलिंग टीम को, टपारिया रेंजर्स को, अगर ये मैच जीतना है तो। और फिर से एक बार और दिशा से भटके, और देखना होगा क्या होता है। चार रन का इशारा होगा अंपायर का। कोई मौका नहीं यहाँ पे फील्डर के पास चार रन के लिए। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी आकाश जैन द्वारा, बैक टू बैक फोर, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी अभी तक फाइव रोज यूनाइटेड द्वारा। और तीन लगातार चौका मार चुके अभी तक आकाश जैन, तीन बॉल पे हाथ खोलने का मौका मिला और उसका भरपूर फायदा उठाया आकाश जैन ने। और यहाँ पे आखिरी तीन बॉल शेष इस ओवर में। और यहाँ पे एक बार और इनफील्ड को क्लियर करने का प्रयास, देखना होगा फील्डर चेस कर पाते हैं जी नहीं। यहाँ पे चार रन का और इशारा, बैक टू बैक फोर, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी इस बार, लेकिन डीप मिड विकेट पे चार रन के लिए फील्डर के लिए लंबी चेस, लेकिन रोक ना पाए और चार रन का इशारा अंपायर द्वारा। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी अभी तक। और यहां पे फिर से एक बार प्रहार करने का कोशिश, लेकिन सीधी बॉल कवर्स के हाथ में, जितेश के हाथ। और फिर से एक बार हाथ खोलने का मौका मिला, कोई मौका नहीं। चार रन स्क्वायर लेग पे, डीप स्क्वायर लेग में चार रन का इशारा अंपायर द्वारा। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। और इसी के साथ दूसरे ओवर की होगी समाप्ति। 36 रन बिना किसी नुकसान के फाइव रोज यूनाइटेड का स्कोर। पिछले ओवर में पांच चौके बना मारे हैं आकाश जैन ने, 20 रन। बहुत ही अच्छा ओवर
5 रन यूनाइटेड के लिए, लेकिन खतरे की घंटी है टपारे रेंजर्स के लिए, वापसी करना थोड़ा मुश्किल। लेकिन देखना होगा अब क्या रणनीति रहती है। फायरवेज यूनाइटेड रिक्वायर्स 49 रन इन 60 बॉल्स, 49 रन की दरकार है मात्र 60 बॉल में। आर के होंगे नए गेंदबाज जो कि बॉलिंग का भाग दौड़ संभालेंगे। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा साथ निभाते हुए बिलेश सिंगल लेंगे, टैप किया और भाग गए सिंगल रन के लिए। बहुत ही अच्छी रणनीति बल्लेबाज द्वारा। और यहाँ पे एक डिफेंसिव स्ट्रोक, बहुत अच्छी सोच बल्लेबाज की, रिस्क नहीं लेना चाहते, रन्स बन रहे हैं तो आप क्यों रिस्क लें। और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन शॉट, रिवर्स स्वीप, और ये भी 6 रन, बहुत ही बढ़िया क्लियर किया बाउंड्री रोप को। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी आकाश जैन द्वारा, 34 रन के स्कोर पे पहुंच गए, मात्र 12 गेंद खेला इन्होंने, 4 चौके और 6 2 छक्के इसमें शामिल है। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, यहां पे बॉलर को सेट होने ही नहीं दे रहे। 5 ठीक है, और फिर से एक बार और फिर से वही शॉट, सेम शॉट, देखना होगा क्या होता। 6 रन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया खेल दिखा रहे हैं यहाँ पे, इंटेंट बहुत ही अच्छा, बस 1 रन दूर 5 रन यूनाइटेड 50 रन से। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, और 49 रन के 5 रन यूनाइटेड के स्कोर में 40 रन आकाश जैन के ही हैं। ये दिखा सक देख इंटेंट दिखाता है उनका, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी अभी तक। अब 36 रन चाहिए 5 रन यूनाइटेड को 56 गेंद में। और एक फुल टॉस, देखना हुआ क्या होता है। और यहां पे फील्डर चूक हुई फील्डर से, दूर थे थोड़ा, और 4 रन, इसी के साथ 50 रन पूरे होते हैं 5 रन यूनाइटेड के। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, दो ओवर 5 बॉल में 50 का आंकड़ा छू लिया 5 रोज यूनाइटेड ने, 53 रन है स्कोर बिना किसी नुकसान के। और यहां पे अच्छा फ्लिक किया हुआ शॉट, सिंगल लेंगे, और इसी के साथ ओवर की होगी समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति पे 5 रोज यूनाइटेड का स्कोर 54 रन बिना किसी नुकसान के। Perriwall Polymers has been in the PVC compounding business for almost 3 decades. Established in 1994, our vision is to become the industry leader in the supply of polymers with an extreme focus on quality and value innovation. We aim to be the most trusted brand.
4 overs has been bowled, 5 runs United are 59 without any loss of any wicket. और 5 runs United को अब 26 रन चाहिए 48 बॉल में. और यहाँ पे आगे बढ़ के स्टेप आउट किया, गैप में खेला हुआ है शॉट, क्या देखना है ये चौका या सेव करते हैं. और यहाँ पे सेव करेंगे लेकिन इसी के साथ अपना अर्धशतक पूरा करेंगे यहाँ पे आकाश जैन ने. बहुत ही अच्छी सूझबूझ भरी पारी, मात्र 19 गेंदे उन्होंने 50 रन अपने पूरे किए. और बहुत ही बेहतरीन शॉट, कोई मौका नहीं 6 रन के लिए, डाउन टू द लेग साइड थी बॉल और उसका भरपूर फायदा उठाया यहां पे बल्लेबाज ने आकाश जैन. बहुत ही बेहतरीन शॉट. मौका मिला हाथ खोलने का और चुके नहीं. बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी यहां पे. और यहां पे एक बार और हवा में खेला हुआ शॉट, देखना है क्या होता है. फिर से एक 6 रन, बहुत ही बेहतरीन शॉट, छक्कों की बरसात कर दी है यहां पे आकाश ने. मानो रुक ही ना रहे हो, जैसे कल की बारिश रुक नहीं रही थी वैसे ये भी आज रुक नहीं रहे. बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, 65 रन के स्कोर पे पहुंच गए. और अब 5 रन यूनाइटेड को चाहिए मात्र 12 रन 45 बॉल में. और एक और लंबा हिट, देखना होगा क्या होता है. लेकिन इस बार फील्डर के हाथ में और वापस आएंगे. लेकिन बहुत ही अच्छी इनिंग, पहला विकेट गिरता हुआ यहां पे 5 रन यूनाइटेड का. अब जितेश जिन्होंने पहली सफलता दिलाई अपनी टीम को. बहुत ही अच्छी कैच, सीधी हाथ में फील्डर के. बॉन्ड रोप को क्लियर करना चाहते हैं लेकिन चूके यहां पे, जैसा आप रिप्ले में देख सकते हैं. बहुत ही अच्छा कैच, और इस ओवर की 2 बॉल शेष. और यहां पे यॉर्कर लेंथ की बॉल, चूके बल्लेबाज कनेक्ट करने में और बोल्ड बैक टू बैक विकेट्स. बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, काचे बल्ले गेंदबाजी, ये पहले कर चुके होते तो अभी टारगेट बड़ा होता. लेकिन अब 5 रन यूनाइटेड को मात्र 12 रन चाहिए 44 गेंद में और 8 विकेट हाथ में उनके. और यहाँ पे एक डॉट गेंद, और इसी के साथ इस ओवर की होगी समाप्ति. 5 ओवर की समाप्ति पे 73 रन 2 विकेट के नुकसान पे 5 रन यूनाइटेड. हम कौन है? ये हमारे कॉलेज का हीरो था, रॉकी. समर दिन उस पे मैं देख सकता हूँ. रॉकी द हंक, जंक लग रहा है. जलने की बुआरी है क्या मतलब है तेरा? बेटा गाइस की तरह हूँ, कभी जलता नहीं. गोल्ड मेडल FRYS, जो ना आग पकड़े ना. खेला हुआ गैप में और यहाँ पे 2 रन पूरा करना चाहते हैं और पूरा कर लेंगे आसानी से. बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी बिलेश द्वारा. उन्हें पता है रिक्वायर्ड रन रेट अब ज्यादा नहीं है तो आसानी से ये मैच नॉट आउट होके जिताना चाहते अपनी टीम को. बहुत ही अच्छी सोच. और यहां पे
और यहाँ पे शफल करके खेलना चाहते थे, लेकिन बॉलर का इंटेंट अच्छा, यॉर्कर लेवल लेंथ की बॉल और वापस बैक टू द बॉलर खेला, और अब फाइव यूनाइटेड को चाहिए 10 रन 41 बॉल में। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा इंटेंट, हाथ खोलने का मौका मिला और एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से बॉल को खेला और 2 रन पूरा करेंगे यहाँ पे आसानी से बल्लेबाज। बहुत ही अच्छा शॉट ये, और अब मात्र 8 रन चाहिए। बहुत अच्छी बल्लेबाजी बिलेश द्वारा, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी वापसी गेंदबाजी, यॉर्कर लेंथ की गेंद और डिफेंड करके इसे एक सिंगल के लिए भाग गए बिलेश। बहुत ही अच्छी सूझबूझ भरी पारी, आखिरी के 7 रन 38 गेंद शेष। और यहां पे एक पावर हिट करना चाहते थे, डीप मिड विकेट पे एक सिंगल के लिए खेला इसे हरीश जैन ने, बिलेश होंगे अब स्ट्राइक पे, और अब 6 रन चाहिए 37 गेंद में, एक बॉल शेष इस ओवर में। और यहां पे बहुत ही अच्छा शॉट, डीप एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से खेलना चाहते थे, चौका नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत ही अच्छा शॉट और सिंगल पूरा करेंगे। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पे फाइव रन यूनाइटेड। Perriwall Polymers has been in the PVC compounding business for almost 3 decades. Established in 1994, our vision is to become the industry leader in the supply of polymers with an extreme focus on quality and value innovation. We aim to be the most trusted brand with a promise of giving you the best product and services.